Now, let's try to understand the concept of least count of vernier calipers. हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लीस्ट काउंट होता क्या है? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम क्वांटिटी विच इज मेजरेबल थ्रू एनी डिवाइस और थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी भी डिवाइस या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो लीस्ट क्वांटिटी आप मेजर कर पाते हो, आप उसे लीस्ट काउंट कहते हो। वर्नियर कैलिपर से लीस्ट क्वांटिटी क्या मेजर हो पाएगी, लीस्ट लेंथ क्या मेजर हो पाएगी, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, इफ इट इज अ परफेक्ट वर्नियर कैलिपर विथ टू जॉ जॉइंट मींस विथ स्पेस जीरो, मैं परफेक्ट वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूं, मतलब जिसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है, एंड व्हेन टू जॉस आर जॉइंट, टू जॉ टुगेदर, जीरो उनके बीच में स्पेस है, इस तरीके से दोनों जॉ बिल्कुल करीब है, मिले हुए हैं, अपर जॉ भी मिला हुआ है और लोअर जॉ भी मिला हुआ है। इस सिचुएशन में, एस आई टोल्ड यू, क्या सिचुएशन होती है? मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो ओवरलैप करता है और मेन स्केल का नाइन्थ डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिस इज 1 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन ओवरलैप करता हुआ आपको दिखेगा। दिस फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, यह सिचुएशन दिखती है। नाउ अब मैं क्या करता हूं, जॉ को स्लाइटली स्लाइड करता हूं सच दैट मेन स्केल रीडिंग रिमेन्स जीरो एंड वर्नियर स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल रीडिंग बिकम फर्स्ट डिवीजन। जॉस जॉ आर सेपरेटेड, सच दैट सेपरेटेड स्लाइटली, मैं कहता हूं बिल्कुल हल्का सा ही, आपको जॉ को स्लाइड करना है, जॉ आर सेपरेटेड स्लाइटली सच दैट मेन स्केल रीडिंग रिमेन्स जीरो ओनली एंड वर्नियर स्केल रीडिंग बिकम वन डिवीजन। इस तरीके से आपको स्लाइड करना है। मैं कहता हूं दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस, दिस इज द लीस्ट मेजरमेंट, दिस इज द लीस्ट ऑब्जर्वेशन दैट कुड बी मेड थ्रू वर्नियर कैलिपर। कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। देखिए, मैंने जॉ को हल्का सा स्लाइड करा है, बिल्कुल एक हेयर लाइन गैप दोनों जॉ के बीच में बनेगी और नीचे वाले जॉ आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे।
और ऊपर वाले जॉ कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और मेन स्केल और वर्नियर स्केल पर रीडिंग क्या दिखेगी, जरा वहां भी देखें, जीरो ऑफ मेन स्केल, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ डिवीजन, सिक्स्थ डिवीजन, सेवेंथ डिवीजन, एट्थ डिवीजन, नाइन्थ डिवीजन और यह टेंथ डिवीजन। थोड़ा मैग्निफाई करके दिखा रहा हूं। और अब देखिए क्या इधर है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के हल्का सा आगे और वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन ओवरलैप कर रहा है, सेकेंड डिवीजन पीछे हो गया, थर्ड डिवीजन और पीछे, फोर्थ डिवीजन और पीछे, फिफ्थ डिवीजन और पीछे, सिक्स्थ डिवीजन और पीछे, सेवेंथ डिवीजन और पीछे, एट्थ डिवीजन, नाइन्थ और टेंथ, जीरो एंड दिस टेंथ। खास बात आप देखेंगे कि जब जीरो डिवीजन ओवरलैप नहीं कर रहा है उस कंडीशन में वर्नियर स्केल का सिर्फ एक ही डिवीजन आपको मेन स्केल के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। देखिए जीरो नहीं कर रहा है तो टेंथ भी नहीं कर रहा है। एक बात तो यह है कि जीरो यदि ओवरलैप कर रहा है तो टेंथ भी नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं कर रहा है, जीरो डिवीजन वर्नियर स्केल का ओवरलैप नहीं कर रहा है तो टेंथ भी नहीं करता हो दिखेगा। और इनके बीच में जो नौ डिवीजन आपको दिख रहे हैं, नौ में से कोई एक ही डिवीजन आपको मेन स्केल के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। और आप देखिए फर्स्ट डिवीजन हमको ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। फिर वापस बताऊं, इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर को थोड़ा पास में लाकर देखना पड़ेगा। इसको ऐसे दूर रख के नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। इवन इफ यू हैव गॉट वेरी गुड आईसाइट, आपको वर्नियर कैलिपर को थोड़ा पास में लाना पड़ेगा, बड़े ध्यान से वर्नियर स्केल डिविजन्स को देखना पड़ेगा और बड़े ध्यान से देखकर आपको यह बात ऑब्जर्व करना पड़ेगी कि इस वर्नियर कैलिपर में पहला वर्नियर स्केल डिविजन मुझे, फर्स्ट वर्नियर स्केल डिविजन मुझे मेन स्केल के डिवीजन के साथ में, किसी डिवीजन के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। और हमने बिल्कुल हल्का सा स्लाइड करा है सच दैट मेन स्केल रिंग तो जीरो ही रहा है, मतलब वर्नियर स्केल के जीरो के आगे मेन स्केल के कोई डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, जीरो रीडिंग ही है, मेन स्केल रीडिंग जीरो ही है। वर्नियर स्केल के जीरो डिवीजन के आगे मेन स्केल की रीडिंग जीरो डिवीजन है, यहां से जीरो स्टार्ट हुआ है। और वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन मैं कहता हूं दिस इज द मिनिमम मेजरेबल लेंथ थ्रू वर्नियर कैलिपर, दिस इज मिनिमम और स्मॉलेस्ट मेजरेबल लेंथ थ्रो वर्नियर कैलिपर्स और इट्स लीस्ट काउंट, इसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। अब जरा देखिए लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, वही तरीका। इस समय हमने लोअर जॉ को या जो मूवेबल जॉ है उसको जो स्लाइड करा है दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, इसे जो स्लाइड करा गया है इधर से इधर, वर्नियर स्केल को स्लाइड करा गया है लीस्ट काउंट के द्वारा। एंड व्हाट दिस लीस्ट काउंट इज जरा ऑब्जर्व कीजिए, जब वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन है
तो आप देखिए मेन स्केल का भी फर्स्ट डिवीजन ही कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है। तो हम कहेंगे मेन स्केल रीडिंग इज जीरो, मेन स्केल रीडिंग इज जीरो, और आप देखिए व्हाट दिस इज इक्वल टू, ये जो लीस्ट काउंट है वन इंटू और वन इंटू मेन स्केल डिवीजन माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू लीस्ट काउंट प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, वन इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन, वन इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन ही लिखूंगा मैं इधर भी, वन इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन। और द लीस्ट काउंट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। एंड दिस इज वर्नियर कॉन्स्टेंट, इसी को हमने वर्नियर कॉन्स्टेंट भी कहा है। लीस्ट काउंट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया इट्स वर्नियर कॉन्स्टेंट, और यह भी प्रूव कर दिया इट्स 1/n ऑफ मेन स्केल डिवीजन। दिस लीस्ट कॉन्स्टेंट जिसको हम मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन बोल रहे हैं, इसी को हमने वर्नियर कॉन्स्टेंट कहा है, एंड दिस इज 1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन। This is how we obtain least count. और अब एक और बार मैं रिकॉल करा दूं, किसी भी वर्नियर कैलिपर के द्वारा हाउ डू वी मेजर लेंथ, इफ इट्स परफेक्ट वर्नियर कैलिपर द लेंथ इज गिवन एज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। फॉर अ परफेक्ट वर्नियर कैलिपर्स, परफेक्ट वर्नियर कैलिपर्स मतलब अ वर्नियर कैलिपर विच इज हैविंग नो जीरो एरर, दैट इज विदाउट जीरो एरर। यह जीरो एरर क्या होता है इस बात को समझाऊंगा मैं अपने अगले आर्टिकल में। यदि किसी वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है वह परफेक्ट वर्नियर कैलिपर नहीं है। अ इम्परफेक्ट वर्नियर कैलिपर will have some zero error. A perfect vernier caliper would have no zero error. और ऐसे perfect vernier caliper के लिए यह length measurement के लिए expression लिखा जाएगा, perfect vernier caliper के लिए। यदि vernier caliper perfect नहीं है, imperfect है, in that case उसमें कुछ zero error होगा, और फिर क्या expression होगा वह बताऊंगा। zero error क्या होता है यह बात समझाऊंगा, इसे नोट डाउन कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड हाउ इट इज इनकॉर्पोरेटेड, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ फॉर अ परफेक्ट वर्नियर कैलिपर, फॉर एनी परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, फॉर एनी परफेक्ट डिवाइस, यदि हम किसी परफेक्ट वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसमें क्या सिचुएशन होगी। व्हेन टू जॉस आर टुगेदर, व्हेन टू जॉ आर टुगेदर, जब दोनों जॉ को हम मिला देंगे
कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, दोनों जो एक साथ है, मेन स्केल रीडिंग मस्ट बी जीरो एंड वर्नियर स्केल रीडिंग मस्ट ऑल्सो बी जीरो. मेन स्केल रीडिंग मस्ट बी जीरो एंड वर्नियर स्केल रीडिंग मस्ट ऑल्सो बी जीरो. और हम कहेंगे ऑब्जर्व रीडिंग जीरो होना चाहिए, हेंस ऑब्जर्व्ड रीडिंग मस्ट बी जीरो. यदि ऐसा है तो वह वर्नियर कैलिपर परफेक्ट कहलाएगा. बट जस्ट इमेजिन ऐसा नहीं हो, मेन स्केल रीडिंग फाइनाइट हो जाए, वर्नियर स्केल रीडिंग फाइनाइट हो जाए. फॉर एन इम्परफेक्ट, ऐसी कंडीशन में उसको हम इम्परफेक्ट वर्नियर कैलिपर कहेंगे. हम कहेंगे कि उस वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर है. फॉर एन इम्परफेक्ट डिवाइस व्हेन टू जॉस आर टुगेदर, जब दोनों जॉ टुगेदर है, when two jaws are together, यह सिचुएशन, दोनों जॉ जब एक साथ है, दोनों जॉ के बीच में स्पेस जीरो, अपर जॉ के बीच में भी और लोअर जॉ के बीच में भी. In this case, main scale reading भी finite दिखने लगे, vernier scale reading भी finite दिखती है. Main scale reading भी कुछ observe हो रही है और vernier scale reading भी कुछ finite हो रही है, vernier scale division भी कुछ दिख रहा है. It's an imperfect device. We used to say that there is some zero error. It implies that there is some zero error. Zero error, which need some correction. While taking final reading, which need some correction while taking the readings. हमको उस फॉर्मूले में कुछ करेक्शन फिर करना होगा. हम कहते हैं, सबसे पहले मैं करेक्टेड फॉर्मूला दिखा देता हूं. द करेक्टेड फॉर्मूला इज टू लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू जो पहले लिखा था, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, यहां तो लिखा ही था, ये फॉर्मूला हमने लिख रखा था. अब जो जीरो एरर है, हम उस जीरो एरर को भी कैलकुलेट करते हैं. कैसे डिटरमाइन करेंगे वह बताते हैं. दैट जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस माइनस जीरो एरर. This is the true length. Zero error is always subtracted. Zero error is always subtracted in order to get the true reading.
जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्व रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट द ट्रू रीडिंग. जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम observed reading in order to get true reading obtain करने के लिए हमको observed reading से हमेशा zero error को subtract करना होता है. अब zero error दो तरह के होते हैं. ये जो जीरो एरर है दो तरह के हैं. एक तो है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा है नेगेटिव जीरो एरर. जीरो एरर दो तरह के होंगे. यह जो सिचुएशन है यह भी दो तरह की बनेगी. एक तो द सिचुएशन व्हेन जीरो एरर इज पॉजिटिव, अनदर सिचुएशन व्हेन जीरो एरर इज नेगेटिव. अब इन दोनों ही सिचुएशन को हम देखते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर किस तरह से होएगा, क्या होएगा और उसका क्या करना, और नेगेटिव जीरो एरर किस तरह का होएगा, कैसे होगा, कैसे देखा जाएगा, कैसे नोट डाउन करा जाएगा और उसका क्या करना. एक बात फाइनल समरी आप नोट डाउन कर लें कि जीरो एरर को हमेशा आपको सब्सट्रैक्ट ही करना है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. ये भी हम देखेंगे, जीरो एरर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इट्स ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड. दिस ऑब्जर्व रीडिंग, यह जो है ऑब्जर्व रीडिंग है, दिस ऑब्जर्व रीडिंग एंड हियर वी आर सब्सट्रैक्टिंग द जीरो एरर एंड दिस इज द ट्रू रीडिंग. इसे हम ट्रू रीडिंग कहते हैं. ट्रू रीडिंग ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जर्व रीडिंग से जीरो एरर को हमेशा सब्सट्रैक्ट करना होता है. अब मैं नेक्स्ट आर्टिकल आई विल शो यू व्हाट इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड व्हाट इज नेगेटिव जीरो एरर. नोट इट डाउन. नाउ लेट्स फर्स्ट सी द सिचुएशन ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर. मैं पॉजिटिव जीरो एरर वाली सिचुएशन पहले दिखाता हूं. व्हेन टू जॉस आर जॉइंट टुगेदर एंड जो सिचुएशन है व्हेन टू जॉस आर टुगेदर यह लोअर जॉ और ये अपर जॉ दोनों बिल्कुल टुगेदर है और ऐसी सिचुएशन बन जाए दिस मेन स्केल जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यह मेन स्केल. और जरा देखिए वर्नियर स्केल की कुछ आपको सिचुएशन ऐसी दिखने लगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड दिस इज इस तरह की सिचुएशन दिखने लगी। दिस इज जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ। नाउ ऑब्जर्व दिस, वी हैव गॉट finite number of divisions before zero of Vernier scale division. Main scale पर जब दोनों जॉ साथ में है तब Vernier scale का zero और main scale का zero overlap करना चाहिए, मगर वो overlap नहीं कर रहे हैं और main scale के तीन divisions, वन टू थ्री, तीन divisions मुझे दिख रहे हैं वर्नियर स्केल के जीरो से पहले ही दिख रहे हैं। वी हैव गॉट फाइनाइट मेन स्केल रीडिंग, वी हैव गॉट फाइनाइट वर्नियर स्केल रीडिंग। दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज पॉजिटिव जीरो एरर। इसमें कुछ फाइनाइट पॉजिटिव रीडिंग ऑब्जर्व हो रही है तभी जब दोनों जॉ टुगेदर हैं। जब दोनों जॉ टुगेदर हैं तब जीरो रीडिंग होना चाहिए, मगर रीडिंग जीरो ऑब्जर्व होने के बजाय कुछ फाइनाइट रीडिंग हो रही है। अब देखिए क्या फाइनाइट रीडिंग ऑब्जर्व हो रही है, जरा उसको देखें। हम कहते हैं इन द सिचुएशन मेन स्केल डिवीजन और मेन स्केल रीडिंग इज जीरो वन टू थ्री, थ्री मिलीमीटर, यह मेन स्केल रीडिंग कही जाएगी। वर्नियर स्केल के जीरो से पहले आपको, वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल के जितने भी डिवीजन दिख रहे हैं उन्हें काउंट कर लीजिए और वही मेन स्केल रीडिंग है मिलीमीटर्स में। अब वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे हम, वर्नियर स्केल का वह डिवीजन लोकेट करेंगे जो किसी भी मेन स्केल डिवीजन के साथ में ओवरलैप कर रहा। जीरो वर्नियर स्केल का जीरो ओवरलैप करता हुआ नहीं दिख रहा है, वन भी नहीं दिख रहा है, टू भी नहीं दिख रहा है, थ्री भी नहीं दिख रहा है, फोर्थ डिवीजन मुझको, वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन मुझे मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। फिफ्थ नहीं, सिक्स भी नहीं, सेवेंथ भी नहीं, एट भी नहीं, नाइन्थ भी नहीं, टेंथ भी नहीं। हम कहेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन इज फोर्थ डिवीजन एंड वर्नियर स्केल रीडिंग इज फोर। अब हम कहेंगे दिस इज द सिचुएशन ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर एंड जीरो एरर इज गिवन एस। इस सिचुएशन में जो जीरो एरर दिया जाएगा, जीरो एरर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। इन दिस केस जीरो एरर, यह तो जनरलाइज फॉर्मूला हुआ, जीरो एरर इज थ्री मिलीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इज फोर इंटू लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर। जीरो एरर इज पॉजिटिव, इट्स 3.4 मिलीमीटर। इस केस में हम पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे और यह पॉजिटिव जीरो एरर 3.4 मिलीमीटर का है इस सिचुएशन में। एंड वंस अगेन
this zero error should always be subtracted from, and this instrument zero error, this instrument ka zero error. In fact, yah instrument dono jaw ke zero hone par bhi 3.4 millimeter read karta hai. इसका मतलब जो भी कुछ इससे ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा उसमें हमेशा ओवर ऑब्जर्वेशन होगा 3.4 मिलीमीटर का, और उस ओवर ऑब्जर्वेशन को अकाउंट फॉर करने के लिए यह जीरो एरर को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाना चाहिए. अब हम कहेंगे ट्रू रीडिंग is always equal to observed reading minus zero error. हमेशा पॉजिटिव जीरो एरर को सीधा सीधा सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा. इसका मतलब मैं दोबारा लिखता हूं इसको, ट्रू रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर. और जीरो एरर कैलकुलेट, जीरो एरर ऑब्जर्व कैसे करा गया है वह मैंने इधर बताया है. दोनों जॉ को मिलाइए और फिर ऑब्जर्व कीजिए. अब नेगेटिव जीरो एरर की सिचुएशन भी बताता हूं. नेगेटिव जीरो एरर, उस सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं. नेगेटिव जीरो एरर में वंस अगेन हमने दोनों जॉ को टुगेदर कर दिया. व्हेन बोथ द जॉ आर टुगेदर, इनके बीच में गैप जीरो है. जीरो ऑब्जर्व होना चाहिए मगर जीरो ऑब्जर्व नहीं होता है, जीरो ऑब्जर्व नहीं होता है. अब कैसे सिचुएशन कैसी दिखती है, मेन स्केल का जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और इसके पहले जीरो से पहले भी डिविजन्स ग्रेजुएटेड जरूर होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और वर्नियर स्केल का जीरो कहीं मुझे इधर दिखता है. जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऐसी एक सिचुएशन दिख रही है. अब वर्नियर स्केल का जीरो मुझे मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड पर दिख रहा है. मैंने दोनों को ज्वाइन करा और वर्नियर स्केल का जीरो मुझे मेन स्केल के जीरो से इस तरफ दिख रहा है. नाउ दिस इज द सिचुएशन. हम कहते हैं दिस इज द सिचुएशन ऑफ नेगेटिव जीरो एरर. इस सिचुएशन में कुछ नेगेटिव रीडिंग ऑब्जर्व हो रही है. अब उस नेगेटिव जीरो एरर को कैसे अकाउंट करेंगे. वंस अगेन आप देखिए कितने डिविजन्स मेन स्केल के, कितने डिविजन वर्नियर स्केल के जीरो से पहले. 1, 2.
हम कहेंगे मेन स्केल और जीरो से इस तरफ है, मेन स्केल रीडिंग इज वन। इन दिस सिचुएशन मेन स्केल रीडिंग इज वन डिवीजन और वन मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन ओवरलैप कर रहा है जरा देखिए, जीरो नहीं कर रहा, वन नहीं कर रहा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स्थ डिवीजन में इसको ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। तो मैं कहूंगा वर्नियर स्केल डिवीजन इज सिक्स्थ डिवीजन और वर्नियर स्केल रीडिंग इज सिक्स सिक्स, और इस केस में मैं कहूंगा द जीरो एरर इज नेगेटिव, और उस जीरो एरर को कैसे लिखूंगा, जीरो एरर इज वंस अगेन जनरलाइज फॉर्मूला यही लगाऊंगा, वन मिलीमीटर ओवरऑल, तो नेगेटिव साइन आगे लिखना ही है मुझे क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है, वन मिलीमीटर प्लस सिक्स डिवीजन है, सिक्स इंटू पॉइंट वन मिलीमीटर, और ओवरऑल आगे नेगेटिव। हम कहेंगे इन दिस सिचुएशन वी हैव गॉट नेगेटिव जीरो एरर ऑफ माइनस 1.6 मिलीमीटर्स, दिस इज द सिचुएशन ऑफ नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर है माइनस 1.6 मिलीमीटर, इसका मतलब जब दोनों जॉ टुगेदर हैं साथ में हैं, रीडिंग जीरो ऑब्जर्व होना चाहिए मगर वो माइनस 1.6 मिलीमीटर रीडिंग दे रहा है। अब इस नेगेटिव जीरो एरर को भी हम सब्सट्रैक्ट ही करेंगे। अब जब नेगेटिव जीरो एरर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो नेगेटिव जीरो एरर इज एडेड इन ऑब्जर्व्ड रीडिंग, फॉर्मूला बेसिक ही रहेगा, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर इज ट्रू रीडिंग, मगर जीरो एरर सब्सटीट्यूट करते समय नेगेटिव जीरो एरर का माइनस साइन जरूर सब्सटीट्यूट करना है। नेगेटिव जीरो एरर का जब माइनस साइन सब्सटीट्यूट करोगे तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा और नेगेटिव जीरो एरर फाइनली ऑब्जर्व रीडिंग में एड हो जाएगा और हमें ट्रू रीडिंग मिल जाएगी। दिस इज द नेगेटिव जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। दिस हाउ वी अकाउंट फॉर एनी इम्परफेक्ट और डिफेक्टिव वर्नियर कैलिपर्स ऑल्सो। दैट्स ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया है इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसे सॉल्व करने से आपको अलग अलग तरह की सिचुएशन दिखेंगी। थोड़े एडवांस वर्नियर कैलिपर जिसमें 1/20 मिलीमीटर लीस्ट काउंट होता है कुछ उस पर भी प्रॉब्लम दिखेंगे, कुछ ट्रू एंड फॉल्स से आपको काफी चीजें समझ में आएंगी, मैं भी डिस्कस कराऊंगा। मगर डिस्कशन से पहले हम स्क्रू गेज को भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टडी पैकेज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। माई नेक्स्ट आर्टिकल, माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर स्क्रू गेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, गुड डे।